नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेडिकिट्स पे। आज के वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे साफी सिरप के बारे में, जानेंगे हम इसके बेसिक यूज के बारे में, डेली डोजेज के बारे में और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात कर रहे हैं साफी सिरप के बारे में। यह एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर सिरप होता है जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे कि चेहरे पे पिंपल्स, त्वचा पे झुर्रियाँ और आपके त्वचा का ग्लो ना करना, इसके अलावा जैसे आपके शरीर में खुजली हो गई है, ब्लड में कोई खराबी आ रही है, तो भी आप इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, मुख्य घटक क्या होते हैं, तो इसमें होता है सना, रिवंद, चीनी, नीम, चिरायता और तुलसी इसके मुख्य घटक होते हैं, जो कि पूरी तरह से एक नेचुरल मेडिसिन होता है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो यह 2 ml का 105 रुपये का मेडिसिन आता है, जो कि आपको किसी भी नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। यह हमदर्द फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो कि पूरी तरह से नेचुरल ग्लोइंग स्किन के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर हम इसके डोज की बात करें कि क्या क्या इसके डोज हो सकते हैं, तो इसको आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम, एक एक ढक्कन यानी कि 5-5 ml। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं इसका उपयोग करना चाहिए और 1 से 2 महीने तक इसका आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो नॉर्मली इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखे जाते हैं और इसके यूज में मुख्य रूप से इसका उपयोग चेहरे पर होने वाले पिंपल्स, झुर्रियाँ और खुजली के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा सोरायसिस जैसी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी साफी सिरप का उपयोग किया जाता है। अगर हम इसके सावधानियां रखने की बात करें कि इस सिरप को लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो इस सिरप को आप यदि कोई अन्य मेडिसिन चल रही है तो आपको इस सिरप को लेने से बचना चाहिए। यदि आप ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर का सलाह जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके बाल झड़ रहे हैं, बालों में जुआ हो गए हैं, तो भी आप इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं। उससे भी बालों में अच्छा ग्रोथ आता है और जो हमारा बाल होते हैं वह चमकीला बनता है। इसके अलावा इस सिरप से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।